हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद चंद। ये CDS का पेपर है 2020 का, तो इसमें से डेली हम लोग पांच पांच क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन से पांच पांच क्वेश्चन हम लोग इसमें से कर सकते हैं, कैसे करेंगे। आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है। मैंने सोल्यूशन तो नहीं लिखा, लेकिन ऐसे ही वर्डली डिस्कस करेंगे। द नंबर 2 × 3 × 5 × 7 + 11 + 1, ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, ठीक है। ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है, क्या है, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि पहली चीज ये है क्या, ठीक है। तो 2 × 3 × 5 × 7 + 11 + 1 इज अ प्राइम नंबर। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देन 2 अनइक्वल पेयर ऑफ नंबर 3। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोग को दिख रहे होंगे। आप लोग सॉल्व करना अपनी कॉपी पे और देखना पांच में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है। इन पांचों में से कितने क्वेश्चन कर पाए, अपना आंसर कमेंट्स में बताना कि कौन सा क्वेश्चन हुआ और कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पाया। लेकिन देखो, ऑनेस्ट रहना, ठीक है। ये नहीं कि आपने आंसर गूगल पर सर्च कर दिया। गूगल पर सर्च होगी, एग्जाम में आपको गूगल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपसे हो पा रहा है तो ठीक, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। तो कर आसान क्वेश्चन भी है, डिफिकल्ट भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए, सामने है आपके सामने क्वेश्चन है। 4 भी आपके सामने है, 2, 3, 3, ये 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो डेली पांच पांच क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ये ऐसा करते हैं, इस पेज पे कितने क्वेश्चन है, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6th है और ये 7th है। मैं चाहता हूँ ये सातों के सातों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए आज। डेली आपके 7 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन के डेली मैथ्स के क्वेश्चन मैं इस चैनल पर आपको दूंगा। आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट्स बताना कि आपसे कितने हो पा रहे, कितने नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ट्राई करना और बताना कि 7 में से कितने कर पाए, कितने नहीं कर पाए, बट लेकिन ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। ये नहीं कि कहीं से पूछ लिया, कहीं से कर लिया, पूछने की जरूरत नहीं है। देखो मैं एक चीज बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो रहा है तो वो अपने आप को, अदरवाइज पूछने में मतलब टीचर से तो पूछना ही पड़ेगा, बट पहले खुद से ट्राई करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।